हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी पे नियर बाई का न्यू अकाउंट बनाया है या आपने पे नियर बाई का न्यू अकाउंट ख़रीदा है, तो दोस्तों अगर आप आधार विड्रॉ या बैलेंस इंक्वायरी पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा शो होगा, ऐसा जिसमें आपको लिखा रहेगा APS स्टेटस और साथ में लिखा रहेगा यू APS सर्विस नॉट एक्टिव, प्लीज़ कॉन्टेक्ट टू RM। तो दोस्तों आखिर ये क्यों लिखता है, और अगर आप बैलेंस इंक्वायरी भी करते हैं तभी आपको ऐसा शो होता है, और ये दोस्तों क्यों शो होता है इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम और ऐसी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप अगर पे नियर बाई का न्यू अकाउंट बनाते हैं या किसी से बाय करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होएगा, और यहाँ पे आपको सब सर्विस ओपन हो जाता है, जैसे कि आपका हो गया डिश रिचार्ज, ये आपका ओपन हो जाता है, मोबाइल रिचार्ज भी आपका ओपन हो जाता है, बिल पेमेंट के लिए भी आपको ये लिख रहा है वी हैव सेंड ए रिक्वेस्ट टू एक्टिव योर सर्विस, यू बिल पेमेंट सर्विस विल बी एक्टिव शॉर्टली। तो दोस्तों इसके लिए भी आपको ये भी आपका चालू नहीं होता है। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना होता है, जो कि आपका ये यहाँ पे लिख रहा है यू APS सर्विस नॉट एक्टिव प्लीज कॉन्टेक्ट टू RM। तो दोस्तों ये क्यों लिखता है, क्योंकि आपका KYC नहीं हुआ है। ये आपका जब KYC हो जाएगा तो आपके सामने ऐसा शो नहीं होगा। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना होगा आपको, अगर आपने किसी से ID बाय किया है, मतलब किसी से ID खरीदा है, तो वो तो आकर आपका ID का जो भी है KYC वो कर देगा, लेकिन आपने अगर खुद से ID बनाया है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपने खुद के लिए खुद से ID बनाया है तो आपको इसको चालू करने के लिए KYC करवाना पड़ेगा, और KYC के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि पे नियर बाई का जो KYC करता है वो डिस्ट्रीब्यूटर करता है, और आप ये जो ID लिए हैं ये एक रिटेलर ID है, तो रिटेलर का जो KYC होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर करता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको जब भी आप ID लेंगे तो उसके दोस्तों 3-4 दिन के बाद आपका जो सपोर्ट बॉक्स होता है, यहाँ पे आप 3 लाइन पे आएंगे और यहाँ पे आपको सपोर्ट बॉक्स दिखेगा, यहाँ पे जाएंगे तो आपको आपका डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर मिल जाएगा 3-4 दिन पे। तो दोस्तों वहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर मिल जाता है, लेकिन और उसके बाद दोस्तों जैसे ही वहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर मिल जाएगा तो आप आसानी से KYC अपना करवा सकते हैं। KYC करवाने के बाद भी दोस्तों आपको 2-3 दिनों का वेट करना पड़ता है, जिसके बाद आपका ये APS सर्विस चालू हो जाता है। अगर आप KYC करवा लेते हैं उसके बाद भी दोस्तों आपके सामने ऐसा इधर शो होगा, तो KYC करवाने के 2-3 दिन बाद भी आपका APS चालू होता है। अगर दोस्तों आपने न्यू ID बाय किया है तो जिससे आपने ID खरीदा है वो से आप KYC का करवा सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप खुद से अपग्रेड पैकेज करते हैं, ये गलती मत करना, अगर आप खुद से अपग्रेड पैकेज करते हैं तो आपको इसमें दोस्तों बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे जो ये 1000 रुपये का अपग्रेड पैकेज है, यहाँ इसको अगर आप बाय करते हैं तो दोस्तों इसमें आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी देना होता है और साथ में आपको KYC भी करवाना होता है, तो इसमें आप ना ही फंसे तो बेहतर है, आपका टाइम भी उतना ही लग जाएगा और उससे ज़्यादा भी लग जाएगा इसमें। लेकिन अगर आप यहाँ से खुद से जो सपोर्ट बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर आता है उससे अगर आप ID लेते हैं तो उससे आपका टाइम भी बचेगा और साथ में जो KYC है वो अच्छी तरीके से भी हो जाएगा और साथ में आपका पैसा भी कम लगेगा, क्योंकि जब आप अपग्रेड पैकेज से ID को बाय करेंगे तो यहाँ पे आपको 1040 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से करेंगे तो ये आपका 1000 में कर देता है। लेकिन अगर आपने दोस्तों ID लेते समय आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आप ऑनलाइन लेंगे यानी कंपनी से लेते हैं यानी खुद से रजिस्टर करते हैं तो इसमें आपको 1000 रुपये देना ही होता है, लेकिन अगर आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर जान पहचान का है या कोई डिस्ट्रीब्यूटर को आप जानते हैं जो PNBI का KYC करता है या ID देता है
तो उससे अगर आप आईडी लेते हैं तो वो आपको कुछ कम दाम में भी दे सकता है, जैसे 800-900 ऐसे में आपको दे सकता है। तो इससे आपका ही फायदा है और वो आपका केवाईसी भी कर देगा। तो दोस्तों जो अपग्रेड पैकेज है उसको कोशिश करना कि वो हम ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि उसमें आपका टाइम और पैसा दोनों का बर्बाद है। और जब भी आप यहाँ पे सपोर्ट बॉक्स में आएंगे तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर शो होने लगेगा, जो कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर होगा और सेल्स मैनेजर होगा। दोस्तों सेल्स मैनेजर को ही आरएम बोलते हैं, तो वो इसलिए बोलता है कि जब आप वो यहाँ पे एपीएस आधार वीडियो पे करते हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू आरएम, तो आरएम आपका सेल्स मैनेजर ही है, तो इससे संपर्क करने के लिए बोलता है। और जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है ये आपका आके केवाईसी करता है। तो दोस्तों इसलिए ये शो होता है, जब तक आपका केवाईसी नहीं होगा ये आपको कुछ ऐसा ही एरर शो होता रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आया होगा, वीडियो समझ आया तो वीडियो को लाइक शेयर, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।